हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किया होंगे सो so फाइनली बहुत ही लंबे समय के बाद हम लोग आप, आपस में एक लाइव इंटरेक्शन से मिल रहे हैं सभी बच्चे फटाख से लाइव जुड़ जाएंगे उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे चलो सबसे पहले कुछ बातें बता दूं आप लोगों को आप में से कितने बच्चे हैं सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ जो एस एस सी सीजियल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर में और आप सबको पता भी लग चुका होगा अभी तो कि एस एस सी सीजियल में इस बार जो जीएस और रीजनिंग में जो चेंज हुआ है जो पूरा का पूरा पैटर्न चेंज चेंज हुआ है जिसमें कि आपका मेन्स में भी इस बार जीएस रीजनिंग डाल दिया है मैथ्स का वर्टिस कम कर दिया है इंग्लिश का थोड़ा कम कर दिया है आप सबको बताने की जरूरत नहीं होगी अब जो आज मैं आपके यहाँ पे क्लास लेने वाली हूँ साइंस के क्वेश्चंस की ये क्लास आज सात से आठ चल रही है लेकिन कल से रेगुलर बेसिस पे रात को नौ बजे आपकी ये क्लास चलेगी कितने बजे नौ बजे सबसे पहले ध्यान से सुन लो मेरी ये जो क्लास आपको मिलने वाली है साइंस की ये क्लास आज तो संडे था तो सात से आठ में मैंने लगवा ली है लेकिन कल से

आ, बिल्कुल यूट्यूब पे होगा बिल्कुल यूट्यूब पे होगा एप्लीकेशन पे ये क्लास बिल्कुल नहीं होने वाला है इस तरफ आपको यूट्यूब से जुड़े रहना है और कल का सेशन आपका इवेंट लग, जा, लग जाएगा मेरी क्लास के बाद अब आ जाओ फटाक से फटाक से अपना तैयारी करते हैं क्लास में क्या क्या बता रही देखो डेली मैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगी आज तो तीस है आज थोड़ी लंबी रखेंगे क्लास बाकी कल से ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन की सीरीज होगी जो ऐसे क्वेश्चन होंगे एस एस सी में तो आप ऐसे चुटकियों में करके आओगे आंसर चुटकियों में अगर आपने ये क्लास कर ली तो ये आप बोलोगे मैम आपने इतना कॉन्फिडेंस कहा से आया बहुत साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं एस एस सी के एग्जाम के क्वेश्चन मुझे मुख जुबानी याद है किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन साइंस से पूछा था राइट तो एस एस सी वाले बच्चे तो एकदम आंख बंद करके साइंस वाली प्रॉब्लम मेरे पे छोड़ दो

कल सुबह से कल सुबह ये बहुत जरूरी है सुनना आप लोगों के लिए दो मिनट रुक जाइए उसके बाद की क्लास स्टार्ट करते हैं कल सुबह एक रैपिड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर की

इक्कीस अक्टूबर सुबह ग्यारह बजे मिलेंगे ये डेट नोट कर लेना अक्टूबर सुबह 11 बजे अब वो वो अपने आज की की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है सारी बातें हो वो बीच में मैं बैच मिल रही हूं। बीच में बहुत सारे काम थे बहुत सारे पेड सुबह से लेकर मतलब रात तक पेड में क्लासेस होती थी इतना सारा कुछ काम चल रहा था प्रॉपर तरीके से मैं 100 अपना मैं अपना पर एफर्ट डाल ही नहीं पा रही थी लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर इतने ज्यादा एक्टिव रहने वाली हूँ कि जो बच्चा मुझे भूल गया है उसको मैं वापस याद दिला दूंगी कि भाई मेरा नाम की भी कोई मैडम थी जो आपको साइंस पढ़ाती थी राइट आ जाओ चलो ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन

तैयारी आप सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो आप भाइयों और बहनों ठीक है चलो क्या कह रहे हैं रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा होता है उसमें सारे प्लांट्स का होता है सारा एनिमल स्पीशीज का होता है या इंडेंजर्ड स्पीशीज का होता है या एक्सटिंक्ट स्पीशीज का होता है देखो बच्चा इन दो में आपको कंफ्यूजन होगी देखो लाल किताब जो होती है उसमें ऐसी स्पीशीज का वर्णन किया जाता है ऐसी स्पीसीज के बारे में लिखा जाता है जो इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड स्पीसी का मतलब है जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं अब आप में से कुछ बोलेंगे विलुप्त विलुप्त प्रजाति भाई हो गई वो तो खत्म हो गई इंडेंजर्ड का मतलब होता है जो खतरे में है जिनके ऊपर लाल घंटी बज रही है खतरे की घंटी बज रही है अगर उस स्पीसी के बारे में आपको कहीं पढ़ना है तो आप कौन सी बुक निकालेंगे आप रेड डेटा बुक निकालेंगे तो आपसे ये किसी भी एग्जाम में

सब बताऊंगी मेरी एक ऐसी किताब मैंने प्रॉमिस किया था ना एक ऐसी किताब दूंगी जिसके बाद साइंस कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है सारी चीजें लाइनअप में हो रही है थोड़ा सा उसी सब किताब में बनाने में बिजी थी मैं पिछले डेढ़ दो महीने से कि मैं टाइम नहीं दे पा रही थी वो मेरी गलती है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ अब शान, अब शानदार तरीके से मैं वापिस आ चुकी हूँ चिंता मत करो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखो बच्चा बहुत ध्यान से सुनना अक्सर आता है एग्जाम में बीओडी क्या होता है बीओडी का फॉर्म क्या होता है या बीओडी को क्यों कैलकुलेट करते हैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है मेरा मानना है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कैसे भी क्वेश्चन निकाल के उससे आंसर कर सकते हैं देखो कोई भी एक पानी वाली जगह जैसे तालाब हो गया पोंड हो गया झील हो गई कुछ भी पानी वाली जगह इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है राइट अब पानी भरा है है तो तो ऐसा तो है नहीं इसमें सिर्फ पानी है इसमें बहुत सारे एनिमल्स भी तो होते हैं इसमें बहुत सारे जलीय जीव जंतु भी होते हैं जैसे मछली हो गई हाइड्रा हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा है ना तो जो पानी जहां पर ठहरा हुआ है और उस पानी के अंदर बहुत सारे जलीय जीव जंतु भी होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं अब ये एक्वेटिक एनिमल्स भी तो इस पानी से क्या ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं भाई मछलियां हैं वो कहां से ले रही हैं ऑक्सीजन इसी पानी से ले रही हैं और इसी पानी से ऑक्सीजन लेकर वो जिंदा है अब क्या हो अगर ये पानी क्या हो जाए इस पानी के अंदर पोल्यूशन बढ़ जाए वॉटर पोल्यूशन ज्यादा हो जाए पानी वाला प्रदूषण ज्यादा हो जाए तो वॉटर पॉल्यूशन के कारण यहां पर ऑक्सीजन लेवल क्या आ जाएगा ऑक्सीजन लेवल में कमी आ जाएगी और जो जलीय जीव जंतु हैं उनके पास ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा और आपने सुना होगा कि अचानक से किसी झील के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बहुत सारी मछलियां मर गई ऐसे मूवीज में भी दिखाते हैं अक्सर है ना तो क्या होता है कहीं पर भी एक ऐसा जगह जहां पे पानी ठहरा हुआ है और उस पानी के अंदर बहुत सारे एक्वाटिक एक्वाटिक एनिमल्स एनिमल्स हैं और वो उसी पानी से ऑक्सीजन लेते हैं अगर वो पानी पोल्यूटेड हो जाए अगर उस पानी के अंदर प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाए तो वहां के रहने वाले जीव जंतुओं के पास ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और यही कमी जब हम मेजर करते हैं तो किससे करते हैं हम बीओडी से करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उस एरिया का कितना पीपीएम होना चाहिए कितना पीपीएम मिनिमम होना चाहिए कितना मैक्सिमम होना चाहिए ये सब निकाला जाता है ये सब कैलकुलेट किया जाता है बीओडी से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से अब बताओ अगर इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन गया एग्जाम में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी कभी भी कभी नहीं हो सकती प्रॉब्लम, राइट चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन है, क्या रहा है? कि से कौन से जंतु हैं जिनमें जो प्रजनन है रिप्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी से हो जाता है ऑप्शन नंबर एक है एल्गी शेवालों में ऐसा होता है फंगी क्या कवक में ऐसा होता है बैक्टीरिया क्या जीवाणुओं में ऐसा होता है प्रोटोजोआ क्या प्रोटोजोआ में ऐसा होता है इन चारों में से वो कौन से जीव जंतु हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होने वाला है बैक्टीरिया जीवाणु जितने भी सारे बैक्टीरिया होते हैं उनमें इन सब बाकी सभी के मुकाबले में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है वो बहुत जल्दी होता है और रिप्रोडक्शन से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है आप बताओ जरा पैरामोइसियम के अंदर कैसा होता है हाइड्रा के अंदर कैसा होता है इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रखा है उसे जाकर देख लेना सबका बता रखा है मैंने और ग्रुप डी के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बना था एक राइट तो इनमें से सबसे ज्यादा जल्दी अगर कोई भी रिप्रोडक्शन करता है तो वो कौन करता है वो बैक्टीरिया करता है वो जीवाणु करता है और सबसे पहले मुझे ये बताओ बैक्टीरियाज में किस टाइप की सेल्स होती हैं जितने भी जीवाणु हैं उनके अंदर कौन से प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा है प्लीज एक बार टेलीग्राम का लिंक वापस डाल दीजिए टेक्निकल टीम मुझे फटक से क्वेश्चन का आंसर करो किताब कब आएगी बहुत जल्दी बुक आएगी बता दूंगी मैं दिवाली के बाद किताब आने वाली है मेरी किताब का नाम जो है नाम सभी लोग याद कर लो साइंस और सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो DNA of Science. मैंने कहा था इस नाम की किताब 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 सिर्फ मार्केट में एक ही मिलेगी first and last. वो मेरी है है और ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद कहीं पर भी आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपका मैं शरीर के अंदर से डीएनए निकाल दूं आपकी सेल का निकाल दूं तो आपकी सेल कुछ भी नहीं है ठीक है ऐसे ही जैसे आप लोग डीएनए से बने हुए हैं तो मैंने साइंस का डीएनए इसका नाम इसलिए रखा है बिकॉज डीएनए से लेकर सबसे छोटी यूनिट से लेकर सारा का सारा साइंस का सार मैंने इसके अंदर डाल दिया है तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल्स होती हैं वो होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कौन से जीव जंतु हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए हैं तो आंसर क्या होगा वो बैक्टीरिया हैं। और बैक्टीरिया में सबसे जल्दी रिप्रोडक्शन होता है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू ग्रीन एल्गी इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बी जी ए ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं जो नीले हरे सेवाल होते हैं ऐसा माना गया है कि इस धरती पर सबसे पहले जो जीवन किसी का आया था वो ब्लू ग्रीन एल्गीज का आया था वो बी का आया था तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर किसको शामिल किया गया है अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है BGA का दूसरा नाम नाम क्या है? Blue, green algae को और कौन से नाम से आप जानते हैं? बता दो चार ऑप्शन है क्या इनको यू बैक्टीरिया कहते हैं क्या इनको सियानो बैक्टीरिया कहते हैं क्या इनको प्रोटोजोवा कहते हैं क्या इनको कवक कहते हैं सी और डी तो मुझे पता है आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दोगे ए और बी में आपको कंफ्यूजन होने वाला है अब सुन लो क्या होता है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सुनना ब्लू ग्रीन एलगी एलगी नहीं होती हैं नीले हरे शैवाल शैवाल नहीं होते हैं ये क्या होते हैं ये एक टाइप की बैक्टीरिया होती है एक टाइप की जीवाणु होती है बस है कि ऐसी होती है अंदर, पाया जाता है। अंदर क्या पाया जाता है हरित लवक पाया जाता है और जहां जहां क्लोरोप्लास्ट होता है वो अपना खाना अपना फूड खुद से बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स जैसे सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं कौन सी प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आधार पे प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं वैसे ये भी ऐसी बैक्टीरिया होती हैं ये भी ऐसे जीवाणु होती हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये अपना खाना खुद बना सकती हैं इसलिए इनका नाम स्यानोबैक्टीरिया या इनका ब्लू ग्रीन एल्गी नाम पड़ा है नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एलगी या साइनोबैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिनके पास हरित लवक होता है और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं इसीलिए हम इनको ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स बोलते हैं ये ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन नू, वाले होते हैं ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है अपना खाना खुद बनाते हैं राइट चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन अगला question कह रहा है सर्दी मौसम के मौसम की तुलना में गर्मी के मौसम में मछली क्यों मर जाती है आपने देखा होगा कि सर्दियों में मछलियां बहुत कम मरती मछली रहती है? पानी के अंदर रहती है और फिर भी सर्दी के अंदर इतनी ठंड होती है लेकिन फिर भी मछलियां क्या करती है मछली मरती नहीं है अब अगर मैं आपको कुड़कुराती ठंड के अंदर मैं पानी के अंदर डाल दूं स्विमिंग पूल में डाल दूं तो आप मर जाओगे है ना क्यों मर जाओगे कभी सोचा है और वहीं पर मछलियां होती हैं हैं वो वो पानी के अंदर रहती है, वो मरती ठंडे खून वाले, वाले, का का वाले जानवर का देखो ऐसे जीव जंतु जो अपने शरीर के तापमान को बाहर के तापमान के अनुसार चेंज कर ले अंदर के तापमान को बदल ले बाहर के तापमान के हिसाब से उन जीव जंतुओं को हम कहते हैं ठंडे खून वाले जीव जंतु और जिनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के तापमान के हिसाब से परिवर्तित ना हो मतलब जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उन्हें कहते हैं गर्म खून वाले जैसे हम लोग तो अगर मैं आप में से किसी को उठा के के पानी तालाब के अंदर डाल दूं ठंडे पानी के अंदर जनवरी दिसंबर की ठंड में आप मर जाओगे लेकिन मछली नहीं मर सकती क्यों क्योंकि मछलियों का खून कैसा होता है दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उनका खून ठंडा होता है पहली बात तो यह होगी लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सर्दी के मौसम के नल में गर्मियों में अचानक से मछलियां मरने लग जाती हैं पूरे के पूरे तालाब में मछली मरी हुई मिली है किसी झील में मछली मरी हुई मिली है सैकड़ों की संख्या में ऐसा क्यों होता है थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था वहां पर बीओडी बढ़ जाता है बीओडी का मतलब क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पर बढ़ गया इसका मतलब वहां पर किसकी कमी हो गई उस पानी के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा हो गया और पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से उस पानी के अंदर किसकी कमी हो गई उस पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो गया जिसकी वजह से उन मछलियों की डेथ हो गई तो आप लिखेंगे गर्मियों में मछलियां मर जाती है किसकी कमी से लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी से क्योंकि उस जगह क्या हो जाता है पानी में पॉल्यूशन बढ़ जाता है और जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से भी जानते हैं तो यही रीजन होता है कि गर्मियों में मछलियां मर जाती हैं सर्दियों के मुकाबले में और सर्दी में कैसे सरवाइव कर जाती है क्योंकि उनका खून कैसा होता है कोल्ड ब्लड एनिमल्स होती है मछलियां मछलियों का खून कैसा होता है ठंडा होता है ठंडे खून वाली मछलियां होती है जानवर होती है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स द पोलन ग्रीन ऑफ फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर कीटो द्वारा जो परागण की प्रोसेस होती है वो कैसा होता है अच्छा सबसे पहले पोलिनेशन क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है देखो प्लांट्स के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन या परागण कहा जाता है उसको पोलिनेशन या परागण कहा जाता है कैसे होता है मेल मेल फ्लावर फ्लावर है इस male flower से एक वाइट कलर का या लाइट येलो कलर का इस तरीके से कुछ थिक सा लिक्विड निकलता है इसका कहां पे पहुंचना इसका फीमेल फ्लावर तक पहुंचना और फिर रिप्रोडक्शन होना पोलिनेशन कहलाता है क्या होता है पोलिनेशन मेल फ्लावर जो नर पुष्प होता है उसका जो पोलन ग्रेन होते हैं ये जो व्हाइट वाला पाउडर होता है उसको पराग कण या पोलनग्रेन कहा जाता है इन पोलन ग्रेन्स का फीमेल फ्लावर तक पहुंचना और फिर वहां से रिप्रोडक्शन होना क्या कहलाता है पोलिनेशन कहलाता है अब ये पोलिनेशन किसके थ्रू होता है इंसेक्ट्स के थ्रू इंसेक्ट्स के थ्रू क्वेश्चन यही बोले ना के थ्रू इंसेक्ट्स का मतलब है कीड़े मकोड़े जिसमें मच, आपका मच्छर आ सकता है कोई और भी कोई ततैया आ सकता है कोई भी इंसेक्ट आ सकता है तो मान लो इस पर कोई ये मेल फ्लावर था इस पर कोई एक कीट बैठा कोई एक कीड़ा बैठा तो कीड़ा बैठा तो क्या होता है ये पोलग्रीन जो है जो इंसेक्ट्स के थ्रू जाते हैं वो एक तो रफ होते हैं रफ होते हैं और दूसरे ये स्टिकी होते हैं स्टिकी होते हैं इसीलिए वो चिप जाता है मतलब चिपक जाता है किसके साथ तो उस कीड़े के साथ तो ऐसे कीड़ा बैठा और इस कीड़े के साथ ये ग्रेन्स रफ थे और स्टिकी थे इसलिए वो चिपक गए स्मूद होते तो वो चिपकते नहीं ड्राई होते तो वो नीचे गिर जाते इसलिए ग्रेन जब जब इंसेक्ट्स के थ्रू होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल अदर कौन सा करेक्टर करता है कि ये जो पोलिनग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं और रफ होते हैं और वो किसी कीड़े के साथ यहाँ चिपक गए और ये कीड़ा फिर फीमेल फ्लावर तक जाकर बैठा तो ये यह यहाँ पर ग्रेन आ गए और इस प्रोसेस को फिर पोलिनेशन कहा जाता है अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा पोलिनेशन जो इंसेक्ट्स की हेल्प से होता है उसे क्या कहा जाता है जल्दी से आंसर कहो आंसर करो कि ऐसा परागण जो कीटों की हेल्प से होता है जो किसकी हेल्प से जो इंसेक्ट्स की हेल्प से होता है तो इसे क्या कहा जाता है क्वेश्चन का आंसर तो बी हो गया आप समझ गए ठीक है अब ये बताओ कि इस पॉलिनेशन को कहा क्या जाता है बहुत सही आंसर दिया किसने दिया स्टडी ऑन ने, ने बहुत सही आंसर दिया है ठीक है सुनील कुमार क्वेश्चन का आंसर करो मनोज कुमार ने स्पेलिंग अरर किया लेकिन बहुत सही लिखा है ठीक है हां हरियाणा सीटी के लिए बहुत ही सही क्लास है आप ज्वाइन कर सकते हो उसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी नहीं प्रवीण एंटोमोलॉजी नहीं होता है आप उसको कहोगे क्या एंटोमोफिली आप उसको कहोगे एंटोमोफिली तो याद रखिएगा अगर एग्जाम में आ जाए कि परागण जब कीटों की सहायता से होता है तो उसे क्या कहा जाता है उसे एंटोमोफिली कहा जाता है ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर और 21 अक्टूबर सुबह बजे दिवाली के लिए क्या खास है ये सब जानने के लिए सुबह बजे आ जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर द स्टडी ऑफ एक्सटिंग एनिमल्स इज कॉल्ड क्या कह रहा है विलुप्त जानवरों के बारे में अध्ययन करना है तो कौन सा स्टडी बनेगा एसएससी की बात करती हूं तो हर बार एसएससी में स्टडी से दो चार क्वेश्चन आते हैं अक्सर स्टडी पूछता है कि इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है इसे प्लांट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है एलगीज की स्टडी को क्या कहा जाता है फंगी कवक की स्टडी को क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन अक्सर एसएससी में देखने को मिलते हैं ए ऑप्शन वाले सारे गलत हैं सारे गलत हैं बी ऑप्शन वाले रितिका गलत आंसर है आपका जोय ने सही आंसर दिया है पंकज ने सही आंसर दिया है कपिल ने सही आंसर दिया जगजेश ja

तो जब कभी भी आप किसी भी विलुप्त प्रजाति के जीव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो कौन सी ब्रांच में जाओगे या फॉसिल्स के बारे में जीवाश्मों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो आप कौन सी ब्रांच में जाओगे आप पेलियंटोलॉजी में जाओगे किसमें में पेलियंटोलॉजी में जाओगे कोई बच्चा ए बता रहा था ए में हम स्टडी करते हैं हर्पेटोलॉजी में स्टडी करते हैं एम्फीबियंस के बारे में किसके बारे में बच्चा एम्फीबियंस के बारे में एम्फीबियंस क्या होते हैं उभय चरी जो पानी और धरती दोनों पे रहते हैं ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं पक्षियों के बारे में जियोलॉजी तो आप पढ़ते ही हैं आपको मालूम होगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर द मेन पोल्यूटेंट फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था तो उसके लिए कौन सी हानिकारक गैस वहां से निकली थी जिसकी वजह से वहां पर हजारों की संख्या में लोग घायल हो चुके थे और कुछ डेथ भी हो चुकी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी किसकी वजह से हुआ था मैंने कहा था शॉर्ट में याद कर लो सिर्फ एम और मैंने यह भी बताई थी बात कि जिस भी कंपाउंड के लास्ट में एट लगा हुआ होता है वो हमेशा हानिकारक होता है वो जहरीला होता है वो टॉक्सिक होता है वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है तो मेथाइल आइसोसाइनेट एम आईसी भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी एक पॉलीमर की फैक्ट्री में वहां पर ये गैस का रिसाव होने की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे और लोगों की डेथ भी हो चुकी थी तो याद रखिएगा जिस भी कंपाउंड के लास्ट में एट लगा हुआ है जिसे आपने बीच में सुना था मैगी नहीं खाना चाहिए चाहिए मैगीज बहुत खतरनाक है ब्रेड नहीं खाना चाहिए क्योंकि उन सब में एट लगे हुए कंपाउंड आ रहे थे इसलिए उनको भी बैन करा गया था कुछ समय के लिए राइट चलो बहुत शानदार जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक कर दीजिए फटाक से उसके बाद आगे चलते हैं हाँ जी क्वेश्चन अगला बहुत टफ है टीजीटी के एग्जाम का क्वेश्चन है थोड़ा सा टीजीटी का एग्जाम आपको जानते हैं है ना साइंस बहुत अच्छे लेवल के आती है क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं इसका मतलब आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं ठीक है, है? फारूक कह रहे हैं कि मैम शायरी बोलिए मुझे शायरी नहीं आती है अगर आती होती तो फिर बात ही क्या होती मैं शायरी आपको सुना के चली जाती पढ़ाती नहीं है ना चलो आओ यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स आर इनकरेक्टली पेयर्ड आपको एक इनकरेक्ट मैच ढूंढना है मतलब कि जो गलत मिलाया गया है वो आपको ढूंढना है प्लांट हॉर्मोन्स दिए हैं और इधर उनका काम दिया है कि कौन सा प्लांट हॉर्मोन है इसका ये काम गलत मिलाया गया है जैसे एप्सिसिक एसिड एप्सिसिक एसिड का काम बताया ट्रांसपीरेशन बहुत सही एप्सिसिक एसिड या एप्सिसिक अम्ल होता है वो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है बिल्कुल सही मिलाया गया है ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस मैंने कहा था ऑक्सिन होता है वो ऊपर वाले भाग की भी ग्रोथ करवाता है नीचे वाले भाग की भी ग्रोथ करवाता है तो इसे ऊपर वाले भाग को एपिकल कहा जाता है बिल्कुल सही मिलाया गया है साइटोकाइनिन सेंसेशंस का काम करता है इसका मतलब क्या होता है ये एजिंग को रोकने का काम करता है मतलब प्लांट को बूढ़ा होने से बचाता है है ना बिल्कुल सही बात है अगला है जिब्रेलिन जिब्रेलिन बताया है कि बड एंड सीड डोरमेंसी डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव इनएक्टिव का मतलब क्या होता है एक्रिय मतलब कि सीड और जो बड होते हैं उनको इनएक्टिव करता है क्या ये सही हो सकता है नहीं हो सकता सुनो जिब्रेलिन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है वो ग्रोथ करवाता है वो ग्रोथ को रोकता नहीं है इनएक्टिव स्टेज में नहीं लेके जाता है ग्रोथ को वो हमेशा ग्रोथ को करवाने का काम करता है जिब्रेलिन तो इस तरीके से याद कर लो आप इसको कि ग्रोथ को प्रमोट करता है ना कि इनएक्टिव करता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया देखो टीजीटी में कितना अच्छा क्वेश्चन है है ना कितना अच्छा क्वेश्चन है समझ में आई मेरी बात एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है टू फोर डी इज यूज एज टू फोर डी क्या है टू फोर डी सबसे पहले तो इस डी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए इस डी का फुल फॉर्म क्लास क्लास में था अगर की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो अगर आपने अच्छे से पढ़ी थी बारहवीं क्लास की केमिस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन टू फोर डी का फुल फॉर्म क्या था डाइक्लोरोक्सी एसिटिक एसिड अगर आपने पढ़ा था तो इस डी का फॉर्म होता है डाईक्लोरोक्सी एसिटिक एसिड एसिड। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एसिटिक अम्ल हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा अब ये टू फोर डी क्या है सुनो ये टू फोर डी एक तरीके का आर्टिफिशियल ऑक्सिन है देखो ऑक्सिन एक होता है नेचुरल जो प्लांट में नेचुरल तरीके से बनता है एक जब किसी प्लांट के अंदर अगर नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन नहीं बनता है तो हम उसमें बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेटिक ऑक्सीजन डाल देते हैं जैसे टू फोर डी नाम से आता है तो आप इसको डाल देते हो ठीक है अब ये 24d क्या करता है तो ये क्या करता है जिस फसल के अंदर को ग्रो नहीं करने दे रहा है तो उस खरपतवार नासी के फॉर्म में हम टू को काम में लेते हैं कुछ बच्चे यहां पर फर्टिलाइजर बोले होंगे लेकिन फर्टिलाइजर नहीं हो सकता मैम मेरा आज में एक बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया क्या क्वेश्चन था वरुण नायक आप हम सबसे शेयर कर सकते हैं हम सब आपको बताएंगे हां जी चलो ओके, जी कह रहे हैं, काम में नहीं लेते हैं इसको एज ए खरपतवार नासी के रूप में काम में लेते हैं ये क्या होता है, ये एक है, एक है जो लैब में बनाया गया है आ जाओ ठीक है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसपीरेशन थ्रू लीव इज कॉल्ड अगर जो पेड़ के पत्ते होते हैं ऐसे पेड़ का पत्ता है और आपने देखा होगा अगर आपने इस पेड़ को सुबह सुबह पेड़ के नीचे गए होंगे तो आप इस पेड़ से छोटी 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 ऐसे बूंदों के फॉर्म में पानी बाहर गिरता है

पेड़ की लीव से हो रहा है तो उस ट्रांसपीरेशन को क्या नाम दिया गया है आपसे पूछा है क्वेश्चन क्वेश्चन में अच्छा है ना अब कुछ बच्चे कह रहे हैं डी डी गलत है डी गलत है आंसर देखो जब कभी भी देखो ये पर्ण लिखा हुआ है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए टफ नहीं था पढ़ना पर्ण का मतलब होता है पत्ता ये संस्कृत टर्म है तो ऐसे ऐसे ट्रांसपीरेशन को फोलियर ट्रांसपीरेशन कहा जाता है ऐसा ट्रांसपीरेशन जो पेड़ के पत्तों से होता है जो पेड़ की लीव से होता है उसे कहा जाता है आज के बाद अगर एग्जाम में आ गया तो कभी भी हम इसमें कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं और जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार ठीक है मैम मुझे इंग्लिश नहीं आता लेकिन आपसे पढ़ के समझ में आ जाती है मुझे भी इतनी इंग्लिश नहीं आती लेकिन आपको पढ़ाने के लिए इतनी मुझे आती है इंग्लिश है ना ठीक है ओके okay. चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कह रहे क्लोरोफिल कंटेंट्स क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर होता है हरित लवक हरे रंग वाले लवक तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल के के अंदर अंदर क्या क्या-क्या होता है देखो क्लोरोफिल के अंदर क्या -क्या होता है नोटबुक में नोट करो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड एम जी एम जी का मतलब मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है इसका काम क्या होता है जब कभी भी प्लांट के ऊपर ज्यादा मात्रा में हीट आ गई हीट का मतलब उष्मा हीट ज्यादा आ गई सनलाइट ज्यादा आ गई अब सनलाइट की फॉर्म में तो हीट आती है इस हीट का एब्जॉर्बन करना ये जो एक्स्ट्रा हीट होती है ना इसका अवशोषण कर लेता है ताकि प्लांट के ऊपर ज्यादा मात्रा में हीट ना पड़े अगर ज्यादा मात्रा में हीट पड़ गई तो वो पौधा जल जाएगा आपने देखा होगा मई जून के महीने में बहुत सारे पौधे जल जाते हैं किसकी कमी से जब प्लांट के अंदर एम की कमी हो जाती है मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो वो पौधा जल सूख जाता है जल के सूख जाता है मर जाता है वो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हाइड्रोपोनिक्स आजकल बहुत आ रहा है चर्चा में है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल लोग अपने घरों में hydroponics अपना के हरा धनिया, पालक, मूली सब उगा रहे हैं। तो क्या क्या होता होता है hydroponics? Hydroponics होता क्या है? आपसे पूछा है हाँ जी भाई जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बच्चा देख रहा है ट्वेल्व एंड लाइक बहुत कम आए लाइक है एट ऐसे कैसे काम चलेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देंगे पानी 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 आगे ना आंसर सबके पानी पानी आने गए अरे भाई थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो हाँ कल भी क्लास होगी नौ बजे कल रात में नौ बजे क्लास होगी डेली नौ से दस मिलेगी अब आपको मेरी क्लास नौ से दस बजे डेली क्लास मिलने वाली है आपको राइट देखो हाइड्रोपोनिक्स में हाइड्रो शब्द का मीनिंग पानी नहीं आप पानी देख दोगे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिना मिट्टी के सैंड के मिट्टी के रेत के बिना हम प्लांट्स को सिर्फ पानी के अंदर जितने भी मिट्टी से मिनरल्स मिलते हैं वो सारे पानी में डाल देते हैं और उस पानी के अंदर ग्रो करवाते हैं हम प्लांट को तो उस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है तो इसका आंसर ए नहीं होगा इसका आंसर सी होगा इसका आंसर ए नहीं होगा इसका आंसर सी होगा हाइड्रोपोनिक्स वो टेक्निक है जिसमें हम बिना मिट्टी के

कह रहा है कि येलो स्पोर्ट्स ऑन द सिट्रस लीव्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जो खट्टे फल होते हैं खट्टे फल जैसे नींबू के आप पेड़ के पत्ते देखना पीले पड़ जाते हैं या उसके ऊपर पीले धब्बे पड़ जाते हैं अगर आपके घर में संतरे का कभी आपने बाग में गए होंगे संतरे के या मौसम्बी के बाग में गए होंगे तो देखा होगा नींबू हो गया संतरा हो गया आंवला हो गया इनके पत्ते ना पीले पड़ जाते हैं तो वो पीले किसकी कमी से पड़ जाते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि पीले किसकी कमी से पड़ जाते हैं चलो फिर आंसर करो किसकी कमी से पीले पड़ जाते हैं ओके okay. कल 9 बजे आएंगे बिल्कुल ओके okay. चलो किसकी कमी से पीले पड़ जाते हैं तो याद रखिएगा जब-जब कभी भी प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है मैंने अभी बताया था मैग्नीशियम की कमी से दो चीज होंगी प्लांट जल जाएगा उसके पत्ते पीले पड़ जाएंगे पीलो, पहले तो पत्तों के ऊपर पीले कलर के धब्बे से पड़ेंगे और फिर वो पीले पत्ते पूरा पीला हो जाएगा और फिर वो झड़के पत्ता इस तरीके से नीचे गिर जाता है अब पेड़ का जब पत्ता ही नीचे गिर गया पत्ते में क्या होता है पेड़ के लीव्स में क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है भाई यही खाना बनता है अब अगर पेड़ में खाना ही नहीं बनेगा तो क्या ये पेड़ जिंदा रहेगा नहीं ये पेड़ क्या हो जाएगा इसकी डेथ हो जाएगी ये मर जाएगा अब आप कहोगे मैम प्लांट्स भी मरते हैं क्या बिल्कुल मरते हैं भाई प्लांट्स भी जैसे इंसान मरते हैं वैसे प्लांट्स भी मरते हैं बिल्कुल मरते हैं बात समझ में आ गई मेरी। चलो अगले क्वेश्चन 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 पे चलते हैं। नंबर तो पिछले का आंसर लग जाते हैं, फिर पेड़ के पत्ते जाते हैं और फिर ग्लूकोज की कमी हो जाती है उसमें खाना नहीं बन पाते है और फिर वो प्लांट मर जाता है इस तरीके से याद करो ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो बीज होते हैं उसको आप अंकुरित कर सकते हो किसकी एब्सेंस में मतलब क्या नहीं चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए अच्छा सीड जर्मिनेशन क्या होता है जानते हैं देखा होगा ना मूंग हो गया मोट हो गए चना हो गया हमारे घर में मम्मी क्या करती है बीजों को अंकुरित करती है स्प्राउट्स सुना होगा ना कि स्प्राउट्स खाना चाहिए हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं अंकुरित बीज खाने चाहिए तो मम्मी क्या करती है एक थैली के अंदर एक सूती कपड़े के अंदर डालती है मूंग मोट को और उसके अंदर हल्का सा पानी डाल देती हैं और उसको पैक करके रख देती हैं और फिर दो तीन दिन के बाद देखती हैं जैसे आलू में करती होंगी आलू का जर्मिनेशन हो जाता है फिर उस आलू को उगा देते हैं उससे नया आलू बन जाता है है ना तो सीड जर्मिनेशन के लिए क्या नहीं चाहिए देखो बच्चा टेम्परेचर चाहिए होता है एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है अगर आप उसको बहुत ज्यादा ठंड में डाल दोगे तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा गर्मी में डाल दिया तो भी नहीं हो पाएगा ये तो चाहिए सूटेबल मॉइस्चर मॉइस्चर चाहिए थे, तभी तो आप देखो उसमें पानी डालते ही पानी के छिंटे मारते रहते हैं नेक्स्ट ऑक्सीजन चाहिए बिल्कुल ऑक्सीजन चाहिए क्या नहीं चाहिए लाइट नहीं चाहिए अगर आप उस पोटली को जिसके अंदर आपने मूंग मोठ को डाला है बाजरे को डाला है अब आप में से कुछ अंग्रेज होंगे जिनको बाजरा ही नहीं पता होगा बाजरा क्या होता है है ना हमारे यहाँ बाजरा होता है बहुत ज्यादा मूंग मोठ बाजरा इनकी खेती होती है राइट right? तो उनको आप एक पोटली के अंदर बांध के अंधेरे में भी छोड़ दोगे तब भी वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इस लाइट नहीं चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए इस बात को अपनी खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है उसमें बैठा लो बहुत अच्छे से आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसका आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है द रेड ऑरेंज एंड येलो कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट के अंदर लाल रंग देखोगे उसके अलावा पीला रंग देखोगे एक और क्या दिया है ऑरेंज मतलब नारंगी कलर देखो बच्चा जब जब हरे रंग की बात आएगी तब आप एक ही चीज बताओगे प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वो क्लोरोफिल की वजह से होता है ठीक है और क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर लेकिन इसके अलावा जितने भी कलर आपने देखे हैं

पत्तियां जो होती है ना बीच में से हरी और दोनों किनारों से पीली होती है स्नेक प्लांट बोलते हैं उसको एकदम लंबा सा ऐसे खड़ा होता है तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि प्लांट्स के जो पेड़ के पत्ते होते हैं अगर वो हरे हैं तो वो इसकी वजह से हैं अगर वो पीले हैं लाल है नारंगी है किसी भी कलर को हरे रंग को छोड़कर आपको कोई भी कलर का पत्ता दिख रहा है तो वो कैरेटोनोइड की वजह से है वो किसकी वजह से कैरेटोनोइड की वजह से है नोट डाउन कर लिया है ना हाँ जी हो गया चलो अगला क्वेश्चन 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे दिवाली पर क्या खास आप लोगों के लिए पूरी हमारे फ्यूचर टाइम्स की टीम आपसे मिलेगी और वो क्या खास है उसको जानने के लिए इक्कीस अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे आ जाना अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन ऐसे में पूछा हुआ क्वेश्चन है अक्सर बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन क्या है रूट नोड्यूल्स आर कॉमनली फाउंड इन जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो किस प्रकार के प्लांट्स में पाए जाते हैं इस तरीके से जड़े होती हैं जड़ों में हल्की फुल्की इस तरीके से आपको गांठे देखने को मिलती हैं ये किस प्रकार के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं रूट नोड्यूल्स ये पूछा है पहला है पैरासाइटिक प्लांट दूसरा है एपिफाइटिक प्लांट तीसरा है फलीदार पौधे चौथा है जल वनस्पति जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें होते हैं मैं बता दूं आपको कि रूट नोडूल्स सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं फलीदार पादपों में जिसमें फली लगती है जैसे आप किस किस की फली जैसे हमारे यहाँ मूँग होता है मोट होता है उसके ऊपर फली लगती है जैसे मटर के ऊपर फली लगती है तो ऐसा कोई भी प्लांट जिसके ऊपर फली लगती हैं, उस फलीदार पादप की जड़ों के अंदर इस तरीके की गांठे पाई जाती हैं और मैं बता दूं यहाँ पर ये क्यों होती हैं यहाँ पर बच्चा ये किस प्रोसेस में काम आती हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आती हैं अब यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है यह आगे आई जाएगा किसी ना किसी सेशन में फिलहाल इतना जान लो कि किस प्लांट होते हैं जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों में कुछ गांठे पाई जाती हैं जिनको रूट नोड्यूल कहते हैं और यह काम करती हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं जैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं अगला क्वेश्चन जो कस्कटा होता है जिसको अमर बेल कहते हैं वो क्या है अमरबेल क्या है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अमरबेल तो जानते होंगे ना? ठीक है? है और अमरबेल क्या होता है आपसे तो पहला तो ये ना, बात इस तरीके देखो इसको ऐसे याद करो एक पैरासाइटिक प्लांट है पैरासाइटिक का मतलब होता है पर जो अपना खाना खुद ना बना पाए और दूसरे जीव पे दूसरे प्लांट पे डिपेंड करें उसको बोलते हैं परजीवी तो अमर बेल कभी भी इकलौती अमरबेल नहीं उग सकती है उसको क्या चाहिए उसको पार्शियली स्टेम चाहिए किसी ना किसी का तो ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है ये क्या है आंशिक तना आपका परजीवी है कंप्लीट पैरासाइट नहीं है पार्शियल का मतलब होता है मतलब तो जिसमें कंप्लीट तरीके से नहीं है ये, तो अमरबेल एक तरीके का परजीवी प्लांट है जो दूसरे पेड़ पौधों पे डिपेंड करता है इसलिए हम इसको पैरासाइट स्टेम पार्शियल प्लांट कहते हैं अगला मतलब टों कीटो, कीटो को खाते हैं कीटभक्शी पादप। प्लांट के ऊपर कोई बेचारा कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा आके बैठा उसी को खा जाए उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं उसे कीटभक्शी पादप कहते हैं तो कह रहा है कि कीट भक्सी पादप कौन सा नहीं है मतलब बाकी तीन तो होंगे तो आज तो बहुत अच्छी बात है हमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन करने को मिल गए सबसे पहला नेपथेंस बिल्कुल नेपथेंस एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है ड्रोसेरा इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है अच्छा दोनों ऑप्शन सेम आ गया तीसरा और दूसरा दोनों ऑप्शन सेम है आप इसकी जगह तीसरे ऑप्शन लिख लो पिचर प्लांट एक होता है पिचर प्लांट यह भी इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है और चौथे में आ गया आपका अमरबेल अमरबेल कोई भी इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है इसके न्यूट्रिशन का मोड क्या है यह तो एक पेरासाइटिक प्लांट है यह तो कैसा पौधा है एक पर जीवी पौधा है पौधा है, ठीक है बच्चा समझ में आ गई मेरी बात अभी हमने पढ़ा था राइट पिचर प्लांट हो गया नेपथ हो गया ड्रोसेरा हो गया ये सब होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स ऐसा क्यों करते हैं ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं आप जानते हैं इस बात को इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं जिन प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी रहती है बहुत ज्यादा डेफिशियंट रहती है नाइट्रोजन की वो प्लांट क्या करते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं वो कीटों को खाते हैं और आज रात 9 बजे से आपकी एक मैराथन लगी हुई है किसकी इंग्लिश की हर सर की उसको भी अटेंड करना ना भूलें अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोविंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट इनमें से कौन सा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है अब आ गया देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ड्रोसेरा हो गया नेफिंस हो गया उसके अलावा पिचर प्लांट हो गया तो ड्रोसेरा ऑप्शन में है तो यही तो एक क्या है यही तो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है राइट इस बार लिख दोगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया मैम आपका डीएनए ऑफ साइंस कब आएगा बहुत जल्दी दिवाली के बाद दिवाली के बाद किसी भी दिन मैं इवेंट लगा सके आपको बता सकती हूँ कि मेरी डीएनए ऑफ साइंस किताब आ चुकी है बिकॉज मेरी साइंस मेरी किताब प्रिंट होने जा चुकी है बहुत जल्दी मैं आपको उसका कवर पेज भी दिखाऊंगी है ना चलो मैम आपकी आवाज़ तीखी है तीखी कभी आवाज़ होती है क्या है कैसे पढ़ पाओगे ये बताओ आप हाँ कैसे कह रहे आवाज़ तीखी है आवाज कभी तीखी है मिर्ची है क्या मेरी आवाज में जो तो तीखी लगेगी ओ भाई रे हाँ आवाज तीखी नहीं होती आवाज की पिच लो और हाई होती है ठीक है चलो आओ अगले क्वेश्चन पे मैं मुझे साइंस का बैच ज्वाइन करना है सोनू जी ज्वाइन साइंस स्पेशल ट्वेंटी मुझे तो याद नहीं रहता इतनी क्लासेस होती ना दिमाग मेरा उन्हीं में रहता है ट्वेंटी कर लो एलिमेंट है अवशोषण को बढ़ाता है कितना अच्छा क्वेश्चन है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट के अंदर कैल्शियम और पानी के अवशोषण को इनक्रीज करने में हेल्प करता है और इसका आंसर मैं बता दू आप लोगों को नहीं मालूम होगा बोरोन 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 प्लांट्स को बहुत ज्यादा जरूरी होता है देखो एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए एक होते हैं माइक्रो माइक्रो का मतलब ज्यादा मात्रा में चाहिए जैसे एनपीके, के नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज्यादा मात्रा में चाहिए एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में चाहिए जैसे बोरोन मोलिब्लम कैल्शियम फॉस्फोरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट right? तो आप बताएंगे बच्चा कि जो बोरोन होता है ना वो प्लांट के अंदर पानी के अवशोषण और कैल्सियम के में दोनों क्वेश्चन विच बिकम यूजलेस सुन आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर कौन सी लकड़ी जिसको आपने खुली हवा में छोड़ दिया तो वो बेकार हो जाएगी ऐसी कौन सी लकड़ी है भाई वीडियो को लाइक तो कर दीजिए साइंस का फाउंडेशन बैच है ट्वेंटी वन मैम मैं आपका बुक फ्लिपकार्ट से परचेज कर लिया हूँ केमिस्ट्री का कौन सा बुक लूँ बच्चा अभी जो मेरा बुक आने वाला है नाम कि डी ऑफ साइंस मेरी किताब का नाम डीएनए ऑफ साइंस है तो उसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें बायोलॉजी रहेगा नहीं देखो क्या क्या रहेगा सुन लो क्या क्या खास बात है इसकी इसमें बायो भी रहेगा इसमें केमिस्ट्री भी रहेगा इसमें फिजिक्स भी रहेगा इसमें साइंस एंड टेक भी रहेगा साइंस एंड टेक भी रहेगा इसमें ईवीएस एंड भी रहेगा सारा साइंस का कंप्लीट पैकेज है ये और ये किताब आपके लिए ऐसी किताब है जिसके बाद आपको साइंस की किताब कोई और कर परचेज करने की जरूरत नहीं रहेगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं थ्योरी वाला पार्ट भी है वन लाइनर की फॉर्म में सब डाल दिया है डायग्राम से लेकर हर चीज आओ कौन सी लकड़ी जिसको खुली हवा में छोड़ दोगे तो उसके बाद वो बेकार हो जाएगी वो लकड़ी होती है बच्चा गीली लकड़ी वेट वुड अगर आपने गीली लकड़ी को खुला छोड़ दिया तो उसके अंदर से जो मॉइस्चर है वो गायब हो जाएगा और उसकी वजह से वो लकड़ी बेकार हो जाएगी आओ अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अनियन प्याज किसका रूपांतरण है किसका मॉडिफिकेशन है किसका मॉडिफिकेशन है ओके okay, अपना बिहार न्यूज़ कह रहे हैं मैम मैं एक पत्रकार हूं फिर भी आपकी क्लास करते हैं बहुत अच्छी बात है अगर आप पत्रकार हैं तो किसी दिन इंटरव्यू लेने आइएगा हाँ बिल्कुल क्लास होगा डेली रात को नौ से दस बजे में डेली आप मेरे से मिलने वाले हैं पक्का क्लास होगा दिवाली पे छुट्टी रहेंगी मेरी एक से दो दिन की बाकी आपकी डेली क्लास होंगी चलो मैम आपकी बुक कैसे परचेज करें भाई आने तो दो पहले बुक को मार्केट में आने तो दो सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर पाएंगे फिर मैं फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी देखती हूँ उस पर भी रखवा दूंगी डोंट वरी आओ हाँ जी हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग होगा आपको हिंदी का चाहिए हिंदी किताब लेंगे इंग्लिश का एक किताब में दोनों नहीं है इस बार मैंने नहीं, नहीं भूल किया ये बिल्कुल भी ठीक है ना अंग्रेजी लोगे अंग्रेजी लो हिंदी लो हिंदी लो दोनों अलग होने वाली है प्याज क्या है मोडिफाइड रूट है स्टेम है क्या तो बच्चा जो आप प्याज खाते हैं वो किसका रूपांतरण है वो एक स्टेम का रूपांतरण है किसका तने का रूपांतरण है रूट्स मत कर देना मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस तरीके से जो ग्रो करता है वो क्या होता है और जो फैल के ग्रो करता है वो क्या होता है ये बात पढ़ाई थी ना मैंने आपको ठीक है तो मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल होता है प्याज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में आते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर फाउंड अंडरग्राउंड क्वेश्चन को फिर से पढ़ो एक बार क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन है किस पौधे के फल भूमिगत पाए जाते हैं फल पूछा है मॉडिफाइड फल नहीं पूछा है रूपांतरित फल नहीं पूछा है मॉडिफिकेशन नहीं पूछा है कौन सा पौधा है जिसके फल जमीन के नीचे उगते हैं अब आप कहोगे मैम आलू भी जमीन के नीचे उगता है अरे भाई आलू मॉडिफिकेशन होता है रूपांतरण होता है है ना आप कहोगे गाजर भी जमीन के नीचे रहता है तो भाई गाजर एक रूपांतरित फल है आप कहोगे प्याज तभी तो भी पड़ा प्याज मॉडिफाइड स्टेम है रूपांतरित तना है ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा ग्राउंड नट मूंगफली फल है ये किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं है तो हमसे यही तो पूछा फल फ्रूट पूछा फ्रूट कौन से फ्रूट जमीन के नीचे उगते हैं तो कौन से फ्रूट जमीन के नीचे उगते हैं इनमें से कौन से उगते हैं तो इनमें से आपका सही आंसर होगा मूंगफली मूंगफली ठीक है और वैसे भी प्याज और जो आपका क्या कहते हैं गाजर और ये ऑनियंस ये सब किस में आते हैं ये वेजिटेबल्स में आते हैं सब्जियों में आते हैं आप ऐसे ट्रिक लगा के भी आंसर कर सकते थे अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स इनमें से सबसे ज्यादा किस फसल के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है चलो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा किस में होती है ये आंसर तो आपको करना पड़ेगा प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा आपके पास दो ही चीज़ें ऑप्शन में ढूंढनी है मैंने पढ़ाया जब जब प्रोटीन की बात करेंगे सोयाबीन देख लेना ऑप्शन में सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है आप इसके अलावा देख लेना मशरूम मशरूम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है एग अंडा देख लेना अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होता है दूध में प्रोटीन ज़्यादा होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब ऐसे कंटेंट वाले होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है पंकज जी का कहना है कि एसएससी के मेंस में भी मैम साइंस आएगा क्या अरे भाई अभी तक आपको सिलेबस का नहीं पता लगा है पैटर्न चेंज हो गया है एसएससी के मेंस के एग्जाम में भी आप जीएस साइंस सब देखने को मिलेगा रीजनिंग देखने को मिलेगा तो अब आप अभी तक तो सिर्फ आप मजबूरी में पढ़ते थे जीएस लेकिन अब तो आपको जीएस आपके गले की हड्डी बन चुका है उसके बिना आप नहीं जिंदा रह सकते राइट चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन बनता है बहुत अच्छी बात है बनता है भाई बिल्कुल बनता है इसका सोर्स क्या है कहां से बनता है ऑक्सीजन कितना अच्छा क्वेश्चन है आज की क्लास का सबसे शानदार क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हाँ जी मेरी क्लास की टाइमिंग पर डे नाइन टू टेन रहेगी नौ से दस आज इतवार था संडे था इसलिए मैंने जल्दी लगवा ली थी कल मैं आपसे नौ से दस में मिलूंगी एक 25 के प्रैक्टिस सेट के साथ जो शानदार होंगे बीच बीच में थ्योरी वाला पार्ट भी करवाती रहूंगी राइट आप तो बता दो आंसर बहुत ही स्पीड में आंसर आ रहे हैं मैं देख नहीं पा रही हूँ ओके नहीं ऑफलाइन में फिलहाल नहीं पढ़ाती हूँ ऑनलाइन से फुर्सत नहीं है मुझे ऑनलाइन में सात घंटे पढ़ाना मतलब पता है बीस घंटे के बराबर मेहनत होती है तो ये इसकी इससे फुर्सत मिले तो मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जब बनता है सुनो बच्चा देखो क्या चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए CO2 और H2O चाहिए ना अब याद रखना और फोटोसिंथेसिस जब होता है तो क्या बनता है ग्लूकोज बनता है और साथ में क्या बनता है ऑक्सीजन बनता है आपसे पूछा ये ऑक्सीजन किससे बना पानी के हाइड्रोलाइसिस से पानी से टूट के ऑक्सीजन बनता है कैसे तो इस तरीके से 2H2O जब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ऑक्सीजन प्लस आपको H2 मिलेगा ठीक है तो यहां से आपको ऑक्सीजन गैस मिला है और अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन बनता है वो किससे बना वो पानी से बना ठीक है इसका आंसर आप लिख दो पानी से बना ए हो गया अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा जो ग्लूकोज होता है वो किससे बनता है तो ग्लूकोज बनता है सीओ टू से ग्लूकोज बनता है सीओ टू से, वाला से ही मत कर देना. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ना ये जाके ग्लूकोज बनाएगी पानी से ऑक्सीजन बनेगा और इसी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है ओके okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो

आयरन मिलता है और यही आयरन है इसकी कमी से आपके बॉडी में अनेमिया हो सकता है अनेमिया हो सकती है खून की कमी हो सकती है तो अगर आप चाहते हैं आप में कभी भी खून की कमी ना हो तो आपको पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए आपको लीफी वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में खानी चाहिए जैसे पालक मूली के पत्ते आप क्या करते हो मूली घर में आती है मूली के पत्ते तोड़ के फेंक देते हो मूली की चटनी बना के खा लेते हो अरे नहीं भाई उसके पत्ते भी आपको खाने चाहिए राइट क्योंकि वो हरी सब्जी है आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ दैरासाइटिक एलगी इनमें से सारी एलगी के नाम है अब आपको बहुत टफ लगेंगे आप कहोगे मैम यूलोथ्रिक्स 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 कैसे बोले। युलो थ्रिक्स, युलो थ्रिक्स या अलवा बोलते हैं इसको ठीक है एक होता है ऑडोगियम एक होता है ऑडोगोनियम एक होता है सरग्यूरम तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी एक एल्गी एलगी शेवाल आपने सुना होगा शिवाल हरे रंग के होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन कुछ शिवाल ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और वही आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सवाल है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता याद रखिएगा आप एक ही याद रख लो वैसे तीन होते हैं आप सिर्फ याद रखो सैफलुरोस एक ऐसा सेवाल है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है और उसके न्यूट्रिशन का मोड होता है पैरासाइट वो पैरासाइटिक नेचर का होता है वो परजीवी होता है बाकी सब अपना खाना खुद बनाते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ईस्ट क्या है ईस्ट खमीर क्या होता है खमीर क्या है एक बैक्टीरिया है एक कवक है एक शैवाल है एक ब्रायोफाइटा है क्या है ईस्ट बता दीजिए अजय राज कह रहे हैं मेरा सिलेक्शन हो गया फिर भी तुम्हारी क्लास लेता हूँ अबे यार सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी आप में बात करने की तमीज़ नहीं आई कौन से टीचर से तुम करके बात करते हैं हाँ कौन से टीचर से मैं तुम्हारी क्लासमेट रही हूँ कि मेरे साथ पढ़े हो क्या आठवीं दसवीं क्लास में, दस में जो तुम 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 करके बात करोगे मेरे से नहीं कर सकते आप किसी भी टीचर से मेरे से नहीं किसी भी टीचर से तुम करके बात नहीं कर सकते है ना आपका सिलेक्शन हो गया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो लेकिन थोड़ा सा बात करने की टीचर से एक तमीज़ होती है एक मर्यादा होता है उसको लागने की कोशिश मत करो ईस्ट क्या है अक्सर सुना होगा ईस्ट कहाँ काम आता है ईस्ट काम आता है ब्रेड बनाने में चलो ये तो पता लग गया डबल रोटी बनाने में है ना ब्रेड बनाने में ब्रेड बनाने में ईस्ट काम में आता है क्यों आता है क्योंकि ब्रेड बनती है अन रेस्पिरेशन से

किसकी प्रेजेंस से बनते हैं तो वहां पर कभी कभी ऑप्शन में फंगी लिखा हुआ आएगा कवक की प्रेजेंस में क्यों क्योंकि तो कवक क्या कवक का ही एक टाइप है ईस्ट खमीर क्या होता है एक कवक होता है और इस ईस्ट के अंदर -सी -सी. नामक एक ईस्ट है जो बहुत ज्यादा फेमस है जो ब्रेड वगैरह बनाने में काम में आता है चलो अगला क्वेश्चन है कि द एंटीबायोटिक फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एंटीबायोटिक था पता है इसकी डिस्कवरी के लिए इसको फर्स्ट एंटी एंटीबायोटिक बनाने के लिए और वो पहला एंटीबायोटिक कौन सा था पेनिसिलिन था अब बात ये है कि ये किस पे काम कर रहे थे और किससे बन गया आपको पता है इनकी स्टोरी थोड़ी सी ये बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे लेकिन बैक्टीरिया के आसपास यहां पर बहुत सारी फंगस बन गई थी और उसी फंगस से ऑप्टेन किया गया था क्या पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी काम कर रहे थे बैक्टीरिया पे जीवाणु पे लेकिन उसके आसपास ऐसी कवक कवक पनप गई थी और उसी कवक को बाद में उन्होंने लैब में ले जाकर उसी से बनाया क्या पेनिसिलिन बनाया फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया पेनिसिलिन कौन से फंगस से लिख लीजिए उस फंगस का नाम क्या था पेनिसिलियम नोटेटम पेनीसिलियम नोटेटम इस नाम का फंगस था हिंदी में सेम नाम है पेनीसिलियम नोटेटम इसलिए तो इसका नाम पड़ा। इसलिए इसका नाम नाम पड़ा पड़ा इसलिए है है ठीक ओके हाँ जी क्लासिक गौतम जीरो सेवन मेरा ऑफिशियल चैनल यही है ऑफिशियल अनऑफिशियल कोई अलग अलग थोड़ी होते हैं यही है चलो मैम आपका इंस्टाग्राम आईडी दे दो मेरा इंस्टाग्राम आईडी इसी नाम से है के एल और एस आई एच ए जी से ठीक है इस नाम से इंस्टाग्राम आईडी है कोई भी क्वेरी हो कोई क्वेश्चन हो आप वहाँ डाल सकते हो मेरे से पूछ सकते हो और एक जो इंटरव्यू लेने की बात कर रहे हैं वो आप वहाँ पे मैसेज कीजिएगा मुझे राइट चलो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फंगी दैट ग्रो ऑन आर टू बी ऐसा कवक जो प्लांट की छाल के ऊपर पनप जाता है देखा होगा ना आपने प्लांट की छाल जहां से लकड़ी मिलती है आपने लकड़ी को हटाया ऐसे अंदर की तरफ देखोगे ऐसे कवक सा लगा हुआ दिखेगा आपको कुछ किस किस कलर का आ, कुछ भूरे भूरा नहीं ऐसे स्लेटी कलर का स्लेटी कलर का देखने को मिलेगा आपको तो उस कवक को क्या कहा जाता है हाँ जी उस कवक को क्या कहा जाता है आंसर दीजिए प्लांट की जो छाल होती है जहां से आपको लकड़ी मिलती है उस लकड़ी वाले हिस्से से अगर आपको क्या निकाल लकड़ी निकालोगे तो उसके ऊपर एक कवक हुआ मिलेगा वो कवक किस टाइप का कवक होता है तो बच्चा वो होता है कोर्टिको कॉलर कोर्टिकोलर ठीक है देखो कॉर्टिको मतलब ही क्या होता है कॉर्टिको मतलब छाल ठीक है बार्क होता है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं तो उसको कॉर्टिकोलर कहा जाता है तो ऐसा फंगस जो प्लांट की छाल से मिलता है उसको कॉर्टिकोलर कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी हो गया नाम बहुत टफ है टीजीटी के एग्जाम का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आज के खत्म हो चुके हैं आज की क्लास में 31 क्वेश्चंस थे कल 9 बजे कल 9 से 10 बजे अगेन 25 फाइव क्वेश्चन का सेट्स करेंगे और उसमें ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे कल केमिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे राइट और इसके अलावा आज की क्लास कैसी लगी 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे हमारे YouTube चैनल पे आ जाइएगा जिसमें हम बताएंगे दिवाली पर क्या आपके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट कुछ चीजें आपको अनाउंस करेंगे कुछ नए बैचेस के साथ जो भी आपके डिमांड है उस हिसाब से और इसके साथ कल पार्ट टू में मिलेंगे रात को नौ बजे इसी सीरीज का पार्ट टू है और अगर किसी को एस के लिए तैयारी करनी है प्री प्लस की वो प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकता है और बच्चों इसके अलावा तो मैंने बता दिया कल सुबह आठ बजे आपका क्या रहने वाला है कल सुबह आठ बजे आपका इस YouTube चैनल पे करंट अफेयर का पांच से सात मिनट का सेशन रहने वाला है अब मुझे ये बता दीजिए अरे डीएनए ऑफ साइंस आएगा जल्दी आएगा आशुतोष कुमार बहुत जल्दी आएगी डीएनए ऑफ साइंस जाते, जाते जाते जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए और कल सुबह आठ बजे करंट अफेयर का जो पांच से सात मिनट की जो करंट अफेयर की रैपिड सीरीज स्टार्ट हो रही है ना उसको मत छोड़ना पूरा एक घंटे करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ पांच से सात मिनट उस क्वेश्चन को आप दे दोगे तो ठीक है चलो ओके भाई राम राम सभी को राम राम जो राम राम बोल रहे हैं आप बताओ कैसा रहा था एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल यही साइंस आएगा साइंस कॉमन है बच्चा कुछ भी अलग नहीं है बिल्कुल यही आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है फ्यूचर टाइम्स कोचिंग नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा और 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलना ना भूलिए कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिस जिसपे लिखा हुआ होगा क्या जिस पर लिखा हुआ होगा ब्लड कैंसर कैसे होता है उसके क्या क्या लक्षण हैं कैसे पहचान करेंगे किस इंसान में ब्लड कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है ये सारे इस बारे में कल मैं एक वीडियो आपका अलग से लेना पसंद करूँगी ठीक है चलो कल मिलते हैं नौ कल सभी नौ आ जाएगा और सेशन को शेयर जरूर करके आइएगा आज बच्चे थे 1800 कल इसके दुगुने बच्चे आने चाहिए और स्पेशली सीजल वाला बच्चा तो आना ही आना चाहिए ठीक है चलो थैंक यू सो मच बाय बाय अजय बेटा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू चलो कोई बात नहीं आज के बाद कभी किसी टीचर से तुम्हारी तुम करके बात नहीं करते बच्चा किसी भी टीचर से अच्छा नहीं लगता है ठीक है तो कल सुबह मिलेंगे आपसे आठ बजे करंट अफेयर की रैपिड सीरीज में और रात को नौ बजे मिलोंगी वापस साइंस की सीरीज में अब मैं आप लोगों से डेली मिलने वाली हूं डेली मतलब डेली ठीक है तो आज के लिए इतना बहुत है थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर और इक्कीस अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे आना ना भूलें